हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे हमेशा दोस्तों आपको ये वीडियो अवेलेबल होता ही है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए दोस्तों, कैसे भी कंडीशन रहे, जब तक इंटरनेट अवेलेबल है आप सभी लोगों का करंट अफेयर में, देश में किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं दोस्तों। और आज भी दोस्तों सुबह 5 बजे जो है हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों। और सुबह के 5 है जो कि बच चुके हैं, है ना। तो हमेशा की तरह दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप इसे शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, ताकि सभी बच्चे देख सकें। काफी सारे बच्चों की दोस्तों काफी टाइम से डिमांड थी कि सर एक्सरसाइज को लेकर, बताने को लेकर। तो दोस्तों कल संडे था और संडे को कल सुबह 10 बजे जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था फिटनेस को लेकर, ठीक है, कि कौन कौन सी 5 एक्सरसाइज है जो कि आप घर के अंदर कर सकते हो। कोई पैसा, कोई ज्यादा आपको डाइट, कोई आपको जिम ट्रेनर, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये 5 एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी का जो लेवल है दोस्तों वो टोटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नहीं देखा वीडियो तो देख लेना, कमेंट में मैं डलवा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है गाइज। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको मेरे सारे वीडियोज की पीडीएफ चाहिए, वो चाहे एक्सरसाइज वाला हो, चाहे ये वाला हो, जितने भी मेरे करंट अफेयर के वीडियोज होते हैं पीडीएफ होती है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको भुनेश टाइप करना है, BHUNESH, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, इसमें से ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तो ये वाला है मेरा और एक ये वाला है। इसके अंदर तो कोई 11,000-12,000 के आसपास बच्चे होंगे, इसमें कोई 44,000 के आसपास होंगे। तो इन दोनों में से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे, बाकी मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है। साथ में दोस्तों अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी के अंदर, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, UGC हो, चाहे कोई PCS का एग्जाम हो, चाहे कोई भी इंडिया में 30+ गवर्नमेंट जॉब में से कोई सा भी हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। BHUNESH बुनेस्टन, आपको रेफरल कोड लगा दोगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। अगर मेरे कोर्स की बात करें तो SSC के अंदर दोस्तों मेरा GK का कोर्स चल रहा है, ओके, जहाँ पे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको ये सब पढ़ाया है। और साथ में दोस्तों बायोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, जहाँ पे पूरा डायग्राम्स के थ्रू दोस्तों हम लोग बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, तो ज्वाइन करिएगा। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS की भी सारी क्लासेस मिल जाएगी। बैंक में भी करंट अफेयर मैंने खत्म किया है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, मैथ वैथ की भी, और रेजनवे में भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, कल मैंने आपसे कोरोना वायरस के कारण फ्लॉयड कार्डस का निधन हो गया था, वह एक प्रसिद्ध कौन थे। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लॉयड के बारे में, तो इंडियन अमेरिकन दोस्तों ये शेफ है जो कि काफी फेमस शेफ रहे बॉम्बे के अंदर। दोस्तों इनके काफी सारी रेस्टोरेंट चलते हैं, जैसे कि बॉम्बे कैंटीन है, ओ पेट्रो है, बॉम्बे स्वीट शॉप है, ओके। इसके अलावा जो शेफ का एक कॉम्पिटिशन होता है 2011 के अंदर मास्टर शेफ, वो भी इन्होंने जीता हुआ है। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर दोस्तों एक हंगर INC नाम की एक इन्होंने कंपनी में स्टार्ट करी, उसके को फाउंडर रहे हैं। तो अभी कोरोना वायरस इनको हो गया था दोस्तों, ये USA के अंदर थे और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। पिछले 2-3 दिन से काफी जो है दोस्तों इनके बारे में काफी लोगों ने बोला है, तो काफी जबरदस्त शेफ है जो कि ये माने जाते थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस दवा की बिक्री, निर्यात और वितरण को प्रतिबंध किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम की जो दवाई है ना, जो कि एक्चुअली मलेरिया के लिए काम में ली जाती है, तो अभी आपको मालूम है दोस्तों हाइड्रोक्लोरोक्वीन WHO ने अलाउ कर दी थी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, इसको खरीदना चालू कर लिया, स्टॉक चालू कर दिया, यूज करना चालू कर दिया, ओके, और विदाउट किसी डॉक्टर के परमिशन के। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है अभी क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। आपको मालूम है दोस्तों कि अभी WHO जो है वो 4 वैक्सीन के ऊपर, 4 मतलब ड्रग्स के ऊपर क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उनको मिला के कोरोना वायरस की कोई एक वैक्सीन या फिर कोई एक ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर पहले ही दोस्तों इस एंटी मलेरियल ड्रग को लेकर काफी मार्केट में ताबातोड़ी मच गई और इसकी वजह से दोस्तों इसको बैन करना पड़ा। इसको कॉम्बिनेशन है लोपिनावीर और रिटोनावीर, उसके साथ में जयपुर के अंदर भी यूज किया गया था और जयपुर के अंदर भी जो इटली से गए पेशेंट थे उनको सही किया गया था, तो इस वजह से इसकी काफी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। WHO ने COVID-19 वैक्सीन खोजने के लिए 4 दवाओं का एक मेगा परीक्षण शुरू किया है। परीक्षण को डैश के रूप में नामित किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 4 ड्रग्स है जो कि जिनका मेगा ट्रायल स्टार्ट किया गया है WHO के द्वारा। WHO के बारे में आपको मालूम है टेड्रोस जो कि अभी इसके हेड है, हेडक्वार्टर आपको मालूम होगा जेनेवा में है। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कि हम मनाते हैं।
क्योंकि दुनिया के अंदर WHO दोस्तों सबसे ज्यादा काम करता है हेल्थ को लेकर। दुनिया में पोलियो से लेकर, कोलेरा से लेकर, ये जो भी आपके डायरिया से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दोस्तों कोलेरा ने दुनिया में काफी कम किया है। और यहाँ पे जो ट्रायल को जो नाम दिया गया है ना चारों को मिला के, उसका सॉलिडेरिटी नाम है जो कि दिया गया है। तो सी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो रेमडेसिविर है, क्लोरोक्वीन है, रिटोनावीर है और यहाँ पे लिबोनावीर है। तो ये चारों ड्रग है दोस्तों जिसका कॉम्बिनेशन का ऊपर जो है एक मेगा ट्रायल है जो कि चल रहा है, जिसको नाम सॉलिडेरिटी है जो कि दिया गया है। नई घोषणा के बाद मनरेगा मजदूरों को पिछले वित्तीय वर्ष में 182 की तुलना में दैनिक मजदूर के रूप में कितने प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। रिसेंटली दोस्तों सरकार ने क्या किया था, 20 रुपीज का इंक्रीमेंट किया था और अभी 202 रुपए है जो कि मनरेगा के वर्कर्स को दोस्तों मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। मनरेगा के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 21 है, जिसका मतलब क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि ये सरकार का दोस्तों कर्तव्य बनता है कि वो आपको क्या दे, रोजगार दे, जिससे आपकी लाइफ जो है दोस्तों बनी रहे, समझ गए। तो रोजगार सरकार की गारंटी है, तो सरकार ने क्या कर दिया दोस्तों, मनरेगा के अंदर कंपलसरी कर रखा है किसी को रोजगार देने का। एक साल के अंदर 100 डेज का दोस्तों कंपलसरी जो है यहाँ पे कंपलसरी जो है आपको वर्क की जो गारंटी है वो यहाँ पे दोस्तों दी जाती है, समझ गए। इसलिए आर्टिकल 21 में इसको एड ऑन किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया 1.7 लाख करोड़ के अंदर दोस्तों, ओके। और उसके अंदर दोस्तों ये इंक्रीमेंट है जो कि किया गया है। मनरेगा की बात करें तो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी। पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, बाद में इसका आगे महात्मा गांधी जोड़ के मनरेगा इसको कर दिया गया। यह गारंटी देता है दोस्तों देश के अंदर राइट टू वर्क की। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों मजदूरी करूंगा, तो ठीक है आपके लिए UPSC, SSC, बैंक, सरकार ने बहुत सारे जॉब के ऑप्शन है जो कि दे रखे हैं, तो आप पढ़ाई करके यहाँ पे लग सकते हैं। और अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो मनरेगा वाला ऑप्शन खुला हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डेज का दोस्तों वेज एम्प्लॉयमेंट है जो कि गारंटी दिया हुआ है। और 1991 में इसको दोस्तों नरसिम्हा राव जी के द्वारा प्रपोज किया गया था, काफी टाइम लग गया। उसके बाद 625 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया गया 2008 के अंदर, ठीक है। देश के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक वर्क प्रोग्राम दुनिया में इसको माना जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के हिसाब से इसको स्टेलर एग्जांपल जो है रूरल डेवलपमेंट का भी बोला गया था, जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट को लोगों को जो है काफी यहाँ पे काम है जो कि आज तक मिला है, ठीक है। अगर 2013-14 की बात करें तो दोस्तों जो रेशियो था यंग वर्कर्स का मनरेगा के अंदर वो 13% के आसपास हुआ करता था, जो कि 17-18 तक 7.5% हो गया। लेकिन आपको मालूम है दोस्तों डिमोनेटाइजेशन आया, GST आया, जिससे काफी लोगों की नौकरियां चली गई। उसके बाद में वापस से यहाँ पे रेट जो है दोस्तों 7% से 10% के ऊपर पहुंच गया दोस्तों। मैं यंग की बात कर रहा हूँ जो कि 18 साल से 30 साल तक के लोग हैं। उपराष्ट्रपति ने PM के राष्ट्रीय राहत कोष में 1 महीने के वेतन के बराबर राशि का योगदान दिया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, काफी लोगों की क्यूरियोसिटी होती है वेतन जानने की। सैलरी ऐसी चीज है जो कि बहुत लोगों को एक्साइटमेंट होता है जानने का, किसको कितनी सैलरी मिलती होगी। गाइस ध्यान रखिए जो अपने प्रेसिडेंट है हमारे देश के, जो राष्ट्रपति है, उनकी सैलरी दोस्तों 5 लाख रुपए महीना है। अगर मैं VP की बात करूं तो उनकी 4 लाख रुपए महीना है, ठीक है। अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो 2,80,000 रुपए महीना है। अगर गवर्नर की बात करें दोस्तों तो गवर्नर की जो मुझे याद है वो 3.5 लाख रुपए है, ठीक है। इसके अलावा जो जजेस हैं हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, या जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी सैलरी 2,50,000 के आसपास होती है। इन्हीं के बराबर आपके इलेक्शन कमीशन, CAG या जो भी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन सबकी सैलरी भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया किसका, उपराष्ट्रपति का, तो 4 लाख रुपए आपका सही आंसर होगा। कई लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में पूछना होता है सैलरी, तो 1,60,000 रुपए सैलरी होती है। सैलरी कम होती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो इनको ऑलरेडी दोस्तों काफी फैसिलिटी देश में सबसे ज्यादा मिलती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सैलरी इसलिए कम होती है थोड़ी सी।
MACS 44028 एक न्यूली डेवलप दोस्तों वैरायटी किसकी है? तो MACS के ऊपर दोस्तों मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, कल मॉर्निंग के अंदर आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा 6:30 पे, ठीक है, लाइव देख लीजिएगा, साथ में सुबह 8 बजे भी लाइव वाला मत भूलिएगा। अभी दो दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, द हिंदू न्यूज पेपर संडे और मंडे का, मजा आ जाएगा, बहुत सारी न्यूज है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, अपना जो गेहूं है ना दोस्तों उसकी नई वैरायटी है जो कि आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा दोस्तों डेवलप करी गई है, ठीक है। ये एक सेमी डाफ वैरायटी है जो कि 102 दिन के अंदर मैच्योर हो जाती है, काफी सुपीरियर क्वालिटी है दोस्तों। इसके अंदर 14% बेटर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, आयरन, जिंक कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको काउंटर अटैक करने में हमें मदद मिलेगी। एक हेक्टर के अंदर 19 क्विंटल का इसके अंदर खेती है जो कि हो रही है, तो इसको MACS 4028 नाम है जो कि दिया गया है। मार्च 2020 में भारत सरकार ने रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किसके बीच में एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों रेलवे के अंदर इंडिया और जर्मनी के बीच में दोस्तों टाइप है जो कि किया गया है। एंजेला मार्कल वहां पे आएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हो। और जो अपने फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं ना, जो अपने ट्रांसपोर्टेशन अपन करते हैं, उसकी हाई स्पीड को लेकर बात करी गई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, डेडिकेटेड दोस्तों फ्राइट कॉरिडोर जो कि हम बना भी रहे हैं ना वेस्ट में और ईस्ट में, तो इन सबको लेकर दोस्तों यहाँ पे बातचीत रेलवे के अंदर जर्मनी और इंडिया में हो रही है। कुजरबीट स्कीम हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस देश में कुजरबीट का अनुसरण किया जाता है? कुजरबीट दोस्तों बड़ी जबरदस्त स्कीम है जो कि जर्मनी के अंदर काम में ली जाती है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा दोस्तों कि आज शायद मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना इस चीज के बारे में आइडिया है, आप कितना सोचते हो नहीं सोचते हो, लेकिन आज जो दोस्तों देश की आजादी के बाद में 1947 के बाद में आज जो आज के टाइम पे जो हमारे देश के गरीब जो तबका है दोस्तों, ओके, उनकी जो हालत हुई है ना वो इससे पहले 1947 में होती। 1947 में दोस्तों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे, आज लोग घर जाने पर मजबूर हो गए। हमारे देश में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आपके पास में वीडियोस आ गए होंगे दिल्ली के, ओके, साथ में जयपुर के, बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे मजदूरों ने बस स्टैंड के ऊपर, रोडों के ऊपर जो है भीड़ लगी हुई है, और बड़े बड़े देश के अंदर सेलिब्रिटीज, प्रधानमंत्री, CM सब लोग अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग भीड़ इकट्ठी मत करो। ये बात कोई समझने को तैयार नहीं हो रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनकी मजबूरी है यार, बीमारी बाद की बात है, पहले पेट के अंदर जो भूख लगती है ना इंसान को, तब जो है बीमारी नजर नहीं आती है, सबसे पहले भूख नजर आती है। तो अगर इन सभी जो लोग इतना भीड़ में इकट्ठी हो रहे हैं, या तो इनको दोस्तों एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करके हाथों हाथ लार्ज स्केल पे आर्मी जैसी चीज, एक वॉर में जो ऐसे अपनी होती है ना सप्लाई होती है, इस तरीके से सप्लाई करके इनकी या तो भूख को रोका जाता ताकि ये लोग अपने शहर में रह सके, या फिर 7 दिन का दोस्तों टाइम दिया जाता अपने लोग घर में जाने को लेकर। अगर 3 मार्च को मोदी जी ने बोला था दोस्तों कि होली नहीं खेलनी है, 10 मार्च को होली थी, आधे लोग अपने घर पे गए हुए थे ऑलरेडी, उसी टाइम पे अगर लॉकडाउन कर दिया जाता तो ये समस्या नहीं आती। 7 दिन का अगर टाइम दे दिया जाता कि भाई ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेंगे, जिसको घर जाना है वो चले जाओ, तो शायद कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाती, ठीक है। आज इतनी ज्यादा भूख, आजकल मैं एक वीडियो देखा मैंने जयपुर के सिंधी कैंप पे, एक नजारा था जिसके अंदर 3 दिन बाद एक 60 साल का बुजुर्ग था जिसको खाना मिला, और उसके आंखों में आंसू आ गए लिटरली ये सोच के कि 3 दिन बाद उसको खाना मिला है, ठीक है। एक तरीके से मैं भी कैंपेन है जो कि जयपुर में स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने वाईफाई स्टडी के कई सारे एजुकेटर भी हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फूड का, ओके, तो आप समझ सकते हो यार इस चीज की इंपॉर्टेंट मतलब। और यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि है ना गरीब आदमी को बोल रहे हैं कि भाई आप भीड़ इकट्ठी मत करो, ये बात समझ में आती है, ऑब्वियस बात है भीड़ नहीं करनी है, लेकिन इन लोगों का सलूशन निकालना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने बीमार माँ को, अपनी बीवी को कंधे पे डाल के 400-400 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कई लोग कैसे निकल रहे हैं, कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा देश की दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फिलैंथ्रोपी की भी, तो भी हमारे देश में आपको मालूम है बहुत लोग जो है हम पहले ही दान देने के अंदर बहुत पीछे हैं हमारे देश के अंदर लोग। होपफुल है कि चीजें जल्दी सही हो जाए और अपने जो लोअर सेक्शन है एटलीस्ट उनको बहुत जल्दी मदद मिले, ठीक है। तो ये जो दोस्तों कुजरबीट स्कीम की मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था, ये क्या एक फाइनेंशियल एक पार्सल कंपनसेशन है जो की वर्कर्स के अर्निंग के लिए दोस्तों हार्ड सिचुएशन में किया जाता है। तो क्या होता है कि जितने भी दिनों की उनकी जॉब नहीं रहती ना,
उतने दिनों का पैसा जो है सरकार है जो कि उनको देती है। तो ये स्कीम दोस्तों जर्मनी के अंदर अपनाई जाती है, 2009-2010 के अंदर ऐसा किया गया था और भी उससे पहले बहुत बार ऐसा किया गया है। तो उसी चीज तर्ज के ऊपर हमारे देश में भी करने के लिए बोला गया था। निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने हाल ही में COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए रोबोट पेश किए हैं? तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों जो रोबोट पेश किए गए हैं वो किसके द्वारा दोस्तों, यहाँ पे SMS हॉस्पिटल जो है ना जयपुर के अंदर, जो उसकी शुरुआत 1934 के अंदर सवाई मानसिंह द्वितीय जो है उनके नाम पे दोस्तों इस हॉस्पिटल की शुरुआत है। सवाई मानसिंह जो है उनके द्वितीय उनके नाम पे इस हॉस्पिटल की शुरुआत करी गई थी। ओके, SMS हॉस्पिटल जो है जयपुर वहां पे करी गई उनके नाम पे और काफी अच्छा राजस्थान का बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। 2250 के आसपास दोस्तों यहाँ पे बेड है, 1500 के आसपास डॉक्टर देखने को मिलते हैं, 4000 के आसपास दोस्तों नर्सेज हैं। ओके, और एकमात्र सोल्यूशन राजस्थान के लोगों का SMS हॉस्पिटल माना जाता है और काफी अच्छे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रोबोट स्टार्ट किया गया है ताकि रोबोट क्या कर सके, सप्लाई कर सके। ओके, ताकि कोरोना वायरस से दोस्तों क्या हो सके, डॉक्टर और नर्सेस को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज को लेकर ये रोबोट की शुरुआत करी गई है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने COVID-19 से लड़ने में मदद करने के लिए फाइनेंशियल 2020 के वार्षिक लाभ का 0.25 देने का फैसला किया है, 0.25% देने का फैसला किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो ये फैसला लिया गया है 0.25 का, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों लिया है कि वो अपने प्रॉफिट का 0.25% जो है COVID-19 के लिए दोस्तों देगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको इसके बारे में पूछेंगे। रजनीश कुमार दोस्तों अभी इसके हेड है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, आपको मालूम है पहले बैंक ऑफ मद्रास बॉम्बे कैलकाटा हुआ करता था, वो सब मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, बाद में ये क्या बना, SBI बना। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। इसके अलावा अगर आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 30+ गवर्नमेंट जॉब में से, तो आप अनअकैडमी पे BHU NESH गुनेश्वर रेफरल कोड लगा सकते हैं, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट के सारे क्लासेस आपको मिल जाएगी। साथ में 20,000 फ्री क्लासेस भी दोस्तों आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करी गई थी, ज्वाइन कर लीजिएगा। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ओपन करनी है, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप रेफरल कोड गुनेश्वर यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में प्लस में गए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में फिर आपको 1 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा, 12 महीने का ले लीजिएगा, मात्र ₹500 पर मंथ पड़ेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों एक साल के अंदर आप CGL प्री मेन्स CHSL प्री मेन्स MTS हो गया, GD हो गया, CPO हो गया, JEE फेज 8 स्टेनो, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना सबकी कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। फिर आपको रेफरल कोड यहाँ पे पूछेगा, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा BHU NESH गुनेश्वर और अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 10% ऑफर सभी सब्जेक्ट के सारे क्लासेस मिल जाएगी। आपको PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम पे BHU NESH गुनेश लिखिएगा, आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा जिसमें 44,000 के आसपास बच्चे होंगे, और एक ये वाला मिलेगा 11,000-12,000 वाला, इन दोनों में से आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF और मेरे सारे वीडियोज के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत ने डैश तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया है, कितनी तारीख तक दोस्तों बढ़ाया है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाली क्लास में, लाइव जरूर आइएगा। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू।